गुड मॉर्निंग, आई एम तबरेज अख्तर। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। इन पैरेललोग्राम्स का एरिया निकालना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी तक हम जानते थे कि भाई ये रेक्टेंगल होता है, और हम ये भी जानते थे कि ये स्क्वायर होता है। ठीक है, हम ये भी जानते थे कि ये ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ पैरेललोग्राम क्या होता है। कुछ इस टाइप का होता है, यानी आपका रेक्टेंगल जैसा ही प्रॉपर्टी रखता है, लगभग लगभग, बस थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, रेक्टेंगल जैसा ही दिखता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, और ये हो गया पैरेललोग्राम। और इसी तरीके से रोम्बस भी होता है, वो स्क्वायर जैसा होता है पर थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, स्क्वायर जैसा दिखता है रोम्बस, बस थोड़ा सा टेढ़ा होता है वो भी। ठीक है, तो ये वाली साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड भी इक्वल होती है। ठीक है, पैरेललोग्राम में इसका एरिया निकालने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट इज़ उसकी हाइट, पैरेललोग्राम की हाइट ये है, ये भी हाइट। ठीक है, चाहो तो अगर इसको इस तरीके से हाइट देखो तो ये भी एक हाइट ही है। ठीक है, इसको सीधा कर लूँ तो आखिर वो ऐसा ही तो बन जाएगा, फिर ऐसा ही तो बन जाएगा, है ना। और ये भी हाइट है। ठीक है, अगर इसको सीधा करोगे तो ये भी सीधी लाइन बन जाएगी, एक हाइट की तरह ही दिखेगी। ठीक है, या तो आप इस तरफ से देख लो, या तो आप इस तरफ से देख लो, या आपके देखने के ऊपर है, हाइट तो हाइट होती है। ठीक है, तो ये हाइट हमें है, बेस हमें है, ये बेस ही होता है ना, बेस हाइट है, बेस है, जिसके ऊपर हाइट खड़ी है वही बेस होता है, जिसके ऊपर हाइट खड़ी है वही बेस होता है, जिसके ऊपर हाइट खड़ी है वही बेस होता है। ठीक है, तो इस टाइप से इसका फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, बेस इनटू हाइट। इतना इजी है, क्या बताऊँ। सबसे पहला है 4 × 7 तो 28, क्या आ जाएगा आंसर में, 28। ठीक है, 4 × 7 28, बेस इनटू हाइट 28। उसके बाद दूसरे में, दूसरा वाला दे रहा है 3 × 5 15, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला दे रहा है 2.5 3.5। ठीक है, 2.5 3.5 तो हो गया 8.5। उसके बाद 5 दे रहा है, 4.8 दे रहा है, 5 × 4.8 कर दिया तो 24, और 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 4.4, लास्ट का 2 सेंटीमीटर हाइट इज़ 4.4, इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 8.8। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 1/2 × b × h। बस इसमें 1/2 एक्स्ट्रा लग जाएगा, 1/2 एक्स्ट्रा लग जाएगा, बाकी पैरेललोग्राम जैसा ही है, 1/2। अच्छा, रिलेशन देख लो कि पैरेललोग्राम जो होता है, अगर मैं उसको आधा कर दूँ तो क्या ये ट्रायंगल नहीं बन जाएगा। ये देखो, ये इतना हिस्सा ट्रायंगल नहीं है, ये इतना हिस्सा ट्रायंगल नहीं है, यानी
पैरेललोग्राम का हाफ जो होता है वो ट्रायंगल ही तो होता है कि नहीं? तो इसीलिए एरिया में भी फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में बी इंटू एस तो पैरेललोग्राम का होता है, इंटू हाफ कर दिया तो ये ट्रायंगल का बन गया, क्योंकि ट्रायंगल का आधा ही तो पैरेललोग्राम का आधा ही ट्रायंगल कहलाता है। तो 1/2 इंटू बी इंटू एच, 1/2 मतलब हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइट है, ये बेस है, और इंटू हाफ तो फॉर्मूले में लग जाएगा, ये हाइट ये बेस, ये हाइट और ये बेस, फॉर्मूला लगा दो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो फर्स्ट में 3 × 4 इंटू 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/2 यानी 6। तो पहला आंसर आएगा, ये लिखा है 1/2 × 4 × 3, तो 1/2 × 4 × 3 करेंगे तो पहले 3 × 4 × 1 कर लीजिए, क्या हो जाएगा 4 × 3 12, 12 × 1 12, 12 हो जाएगा, अपॉन में 2 था, 2 से 12 काट देंगे, 2 6 जा 12, आंसर में क्या आएगा 6, आंसर में क्या आएगा 6, ठीक। नेक्स्ट है फिर से वहीं पे बेस दिया है 5 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 3.2, तो बेस इंटू हाइट अपॉन 2 या इंटू 1/2, बात वही है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 0 लगा दिया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, ये देखो, ठीक है। उसके बाद 3 सेंटीमीटर हाइट है सी में और बेस है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो 3 × 4 × 1/2, तो 4 3 12, या फिर ऐसे ही काट दो, 2 2 4 यानी 2 2 जा 4, एंड 3 × 2 क्या हो जाएगा फिर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर आंसर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट भी करना है, कोई ज़्यादा उसमें परेशानी की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़, मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करना है इसमें, तो यानी 20 सेंटीमीटर ये दिया है, हाइट नहीं दी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अच्छा पैरेललोग्राम से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं और बहुत ही इजी है, कोई इसमें टफ क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि फॉर्मूला लिखिए क्या होता है पैरेललोग्राम का, बी इंटू एच क्या होता है, बी इंटू एच किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, एरिया का, ठीक है। अब मिसिंग वैल्यू तो ठीक है, पर एरिया तो हमें ऑलरेडी पता ही है ना, एरिया तो सबका पता है, तो सबसे पहले क्या करो, एरिया की जगह पे एरिया रख देते हैं, ठीक है, एरिया के प्लेस पे एरिया रख देते हैं, यानी बी इंटू एच यानी एरिया की वैल्यू क्या है 246, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है 246, ठीक है। अब बी की वैल्यू भी बी की जगह रख देते हैं, ठीक है, क्या है 20, यहाँ रखते 20 × h = 246, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रांसपोजिशन किया इस चीज़ का इस तरफ, तो यहाँ मल्टीप्लाई में था तो उधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा अपॉन में अपॉन 20, ठीक है। तो यहाँ अगर आप डिवाइड करना चाहोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और आंसर आपका क्या आएगा 12.3, क्या आ जाएगा 12.3 हाइट, तो यहाँ पे आ जाएगी 12.3, ठीक है। इसी तरह सारे करने, फिर तो उसके बाद जो है दूसरे में क्या है 15 यानी 15 जो है हाइट दी हुई है और 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया दिया हुआ है, तो फिर से देखते हैं
कि बी इंटू एच जो होता है वो क्या होता है। बी इंटू एच जो है वैसे भी दिया हुआ है 154.5, ठीक है, और यहाँ पे एच भी दिया हुआ है 15, तो यहाँ 15 इंटू बी इक्वल टू 154.5। अब यहाँ पे करते हैं हम बी की वैल्यू 15 जो है उसके अपॉन में चला जाएगा, तो 15 45 अपॉन 15 144.5 है ना, ये हो गया। अब मैं क्या करूँ, या तो यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ जीरो लगा दूँ, फिर उसके बाद मैं इसको काट दूँगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी 10.3, ठीक है। अब अगर इस किसी को प्रॉब्लम हो 154.5 अपॉन 15, 154.5 अपॉन 15, तो यहाँ से पॉइंट हटा दिए, यहाँ जीरो लगा और 15 से कट करते हैं, 15 10 जा 150, और ये करेंगे 15 1 जा 15, 0 आया, 45 हुआ, 15 3 जा 45, ठीक है, ऊपर 103 नीचे 10। अब 10 का डिवाइड जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे एक डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 10.3, ठीक। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं। यहाँ पे सारी मिसिंग वैल्यू हमने निकाल ली, तो यहाँ 12.3 हो गया, यहाँ पे 10.3, यहाँ पे 5.8, 1.05। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। अब ये ट्रायंगल वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, हाइट नहीं है और यहाँ पे बेस ऑलरेडी गिवन है, तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, 1/2 इंटू 15 इंटू एच इक्वल टू जो भी एरिया दिया होगा, एरिया लिख देंगे, कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया है, 87, ठीक है, तो 1/2 इंटू 15 इंटू एच इक्वल टू 87। अब ट्रांसपोजिशन करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये नीचे वाला 2 है यहाँ जाएगा, ये नीचे है अपॉन में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, 87 इंटू 2, फिर उसके बाद ये भी जाएगा इस तरफ, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो अपॉन 15, ठीक, इक्वल टू यहाँ एच ही बचेगा, तो ये पूरा यहाँ से हट गया, और H बचा वहाँ पे 87 इंटू 2 अपॉन 15, एट्टी सेवन इंटू टू करिए, फिर उसके बाद 15 का डिवाइड, आंसर हो जाएगा एच की वैल्यू 11.6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी हाइट यहाँ पे। ऐसे ही सेकेंड में हाइट दिए 13.4, 31.4 एंड 12,
1256 mm स्क्वायर जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल है। 1256 यहाँ रख दिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू रख दिए 13.4। अब इसको इसको अभी नहीं ले जाएंगे, पहले 2 को ले जाते हैं। तो 2 जो है यहाँ पे नीचे है, तो 1256 में इंटू 2 हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा, और 13.4 जो है अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी 80 mm, 80 mm आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो गया हमारा, 80 mm। थर्ड रो का भी हम ऐसे ही करेंगे, और इस टाइप से हम सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, क्यू एम इज़ द हाइट फ्रॉम क्यू एन एस आर, एन क्यू एन इज़ द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस। ठीक है, इफ़ एस आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड क्यू एम इक्वल टू 76.6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, और कह रहा है कि फिगर में लिखा भी हुआ है कि पी क्यू आर एस जो पैरेललोग्राम है, क्यू एम जो है वो हाइट है, और उसके बाद क्यू एन भी जो है वो भी इज़ द हाइट। ठीक है, फ्रॉम क्यू टू पी एस। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप की हाइट दी हुई है, और इस हाइट के बेस पे हमको क्या निकालना है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। ठीक है, इफ़ एस आर इक्वल टू 12, क्यू एम इक्वल टू 7.6। एस आर जो है, एस आर कितना दिया है, 12 दिया है, और ये क्या दिया है, 7.6। ठीक है, फाइंड पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस यानी यही को फाइंड करना है, बहुत इजी है। उसके बाद बी क्यू एन इफ़ पी एस इक्वल टू 8, और क्यू एन फाइंड करना है, क्यू एन कितना होगा, अगर पी एस जो है वो 8 है, तो पी एस 8 है तो हमें क्यू एन फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए जो कह रहा है, वो कह रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी पी क्यू आर एस निकालिए। तो पी क्यू आर एस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास हाइट भी दी है और बेस भी दिया है, जब दोनों चीज़ अवेलेबल है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी पी क्यू आर एस निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले गिवन लिख लिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी इंटू एच, और यहाँ पे 12 × 7.6 ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, 12 × 7.6 ऑलरेडी गिवन है, 12 यानी बेस, और 7.6 हाइट है जो कि दी हुई है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा होगा, और ये जो है आपका क्या है, ये जो हो गया आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो निकल गया, ठीक है, एरिया तो निकल गया। अब आप इसको, इसी पैरेललोग्राम को इस साइड से देखोगे, ठीक है, इस साइड से देखोगे तो ये आपके लिए हाइट होगी, ये आपके लिए बेस होगा, और एरिया तो अभी निकाला आपने, तो एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू रख दो, पी एस यानी बेस की जगह पे बेस की वैल्यू रख दो, यानी पी एस की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, है ना। तो बचा क्या, ये क्यू और एन, क्यू एन बचा ना, ये क्यू एन बचा, तो क्यू एन की वैल्यू आ जाएगी जो कि हाइट है, इस तरफ से देखने पे ये हाइट है और ये बेस है। ठीक है, एरिया पता है, एरिया रख दिया, पी एस पता है, पी एस रख दिया, बचा क्या, क्यू एन जो कि हाइट है, तो हाइट निकल जाएगी।
ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इंटू बी इंटू एच, तो एरिया 9.91.2 अभी निकाला है हमने, और बेस जो है वो 8 है, पी एस हमें दिया हुआ है, पी एस 8 सेंटीमीटर, तो क्यू एन निकालना है, तो क्यू एन को इधर छोड़ दो, और ये जो 8 है, ये वाला 8 जो है वो 91.2 ये जो दिया हुआ है इसके अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पॉइंट हटाओगे, यहाँ जीरो लगाओगे, फिर कट करोगे, मान लीजिए आप 4 से कट करेंगे तो 4 2 जा 8, ये 20 आ जाएगा, ये 4 से कट करेंगे 4 2 जा 8, फिर 1 जाएगा, फिर 4 2 जा 8, फिर 4 8 जा 32, तो 2 2 8 अपॉन 20 आएगा, फिर से इसको कट करोगे या फिर डिवाइड करोगे तो 11.4 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि क्यू एन की वैल्यू है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो डी एल एन बी एम आर हाइट ऑन द साइड ए बी एन ए डी, ठीक है, ए बी और ए डी की जगह पे हाइट दी हुई है डी एल और बी एम, ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इफ़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी इक्वल टू 35, ए बी 35 और एरिया भी गिवन है, और ए डी 49 और ए डी भी गिवन है 49, फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल, बी एम और डी एल की लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। चलिए दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें एरिया गिवन है, ठीक है, और क्या गिवन है, और क्या गिवन है, और ए बी गिवन है, ठीक है, और ए डी भी गिवन है, ए डी भी गिवन है, ठीक, वही पुराना तरीका है ना जो ज़माने से चला आ रहा है। एरिया पता है, फॉर्मूला कहता है एरिया इंटू बी इंटू एच होता है, एरिया इक्वल टू बी इंटू एच, एरिया पता है 1470 एरिया की जगह रख दिए, बेस पता है ए बी, ए बी बेस है ना, ये लिखा है, पता है, पता है, तो क्या रख दिया जाए 35, एच यानी डी एल निकालना है, देखो ये डी एल है, यही निकालना है, नहीं पता छोड़ दो, एच 35 को 35 को इधर करो, अपॉन में आएगा 47/35 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, इक्वल टू एच बचेगा बस, ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक हो, तो आराम से डिवाइड हो जाएगा और आपका 42 डी एल आ जाएगा, डी एल आ गया। अब यहीं इस तरफ से आप देखो, इस तरफ से देखो तो क्या है, आपके पास डी ए गिवन है या ए डी गिवन है, और एरिया फिर से गिवन है, बचा एम बी, तो वही फॉर्मूला और वही जो है तो आपको मेथड लगानी है, और बी एम भी निकाल लेना है, क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें, कुछ नहीं आ गई, ठीक है। अब इसी तरह पे ए बी सी डी इज़ राइट एंगल एंड एट ए ए डी इज़ द परपेंडिकुलर टू बेस बी सी, ठीक है, ए बी 5 सेंट बी सी 13 ए सी 12, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, ए और डी की लेंथ भी निकालनी है, ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है डी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ डी लिख लेना, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए डी, ए डी की वैल्यू नहीं दी है पर ये पता है कि ये हाइट है यानी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है
एक ट्रायंगल का वो होता है 1/2 × बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 × बेस इंटू हाइट होती है। तो अगर दिमाग लगाओ और इस तरफ से देखो, दिमाग लगा के इस तरफ से देखो, तो आपको ये हाइट दिखेगी और ये बेस दिखेगा। समझ में आ रही मेरी बात? अगर यहाँ से देखना देखोगे तो आपको ये हाइट दिखेगी और ये बेस दिखेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ये जो साइन बना हुआ है, इससे पता चला 90 डिग्री है, यानी ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर होगा ये। और जो भी परपेंडिकुलर होता है यानी 90 डिग्री बनाता है, जो भी लाइन 90 डिग्री बनाती है वो हाइट को ही शो करती है। तो ये हाइट शो कर रही है और ये बेस शो कर रहा है, ठीक है, ये हाइट शो कर रही है, ये बेस शो कर रहा है, ठीक है। हाइट और बेस दोनों पता है तो एरिया निकल जाएगा 1/2 × b × h से, ठीक है। तो यहाँ बे हाइट की जगह 12 रखो, बेस की जगह 5 रख दो और जल्दी से एरिया निकाल लो। एरिया निकाल लोगे तो फिर क्या करोगे, फिर से 1/2 × b × h जो है वो रखोगे, और अब की बार जो है बेस आपका 13 रहेगा, हाइट AD है जो कि हमें पता नहीं है, जो कि निकालनी है, और एरिया अभी अभी निकाला हमने, है ना, इस तरफ के मेज़रमेंट को रख के हमने अभी एरिया निकाला। क्या निकाला? 30 cm². तो यहाँ पे हम रख देंगे 30 cm², बेस रख देंगे 13, ये वाला बेस, ठीक है। बचेगा h यानी हाइट यानी AD, AD की वैल्यू आ जाएगी 60/13। क्या आ जाएगी? 60/13, ठीक है। अब 60/13 आ रहा हो तो सही है, या तो डिवाइड करके पॉइंट में निकाल सकते हो। और ये है लास्ट क्वेश्चन, इस लास्ट क्वेश्चन को होमवर्क समझ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। अब इसमें भी कुछ ऐसा ही काम दिया हुआ है, ठीक है, दो तरफ से हमें फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको मुझे करके बताइएगा। थैंक यू।